अभी मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। तो अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के तैयार रहिए डिक्टेशन लिखने के लिए। यदि किसी कारणवश आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियाँ अधिक आ रही हैं, आउटलाइन ठीक से नहीं बन पा रही हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस सुबह और शाम दोनों ही समय चलती हैं। चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ क्लासों की व्यवस्था है। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएगी। यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बुक फ्री दी जाएगी। रामधारी गुप्ता, खंड एक और खंड दो को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है। इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, और कोर्स से संबंधित डिक्टेशन और उनकी एडवांस आउटलाइन की बुक भी आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अब मैं ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, विपक्षी गठबंधन INDIA ने दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली अपनी रैली को महारैली का नाम देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है। चूंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद INDIA की यह पहली रैली है, इसलिए उस पर देश की निगाहें होंगी। एक जिज्ञासा तो यह होगी कि इस रैली के जरिए विपक्ष अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर पाता है या नहीं। दूसरी जिज्ञासा यह होगी कि वह किन विषयों के जरिए देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा तो उठेगा ही, लेकिन उनकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि वह भाजपा के लिए खतरा बन गए थे, बल्कि इसलिए हुई है कि उन पर शराब घोटाले में लिप्त होने का आरोप है और अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली है। कांग्रेस की माने तो इस रैली का उद्देश्य संविधान बचाना है। कांग्रेस एक लंबे समय से संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बता रही है। अब तो उसके नेता यहां तक कहने लगे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव साबित हो सकते हैं। पैराचेंज। महोदय, कांग्रेस की देखा देखी अन्य विपक्षी दल भी यह कहने लगे हैं कि मोदी सरकार के चलते संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन उनकी ओर से यह समझाने की कोशिश कभी नहीं की जाती कि आखिर यह खतरा क्यों है। क्या मोदी सरकार ने वैसा कुछ किया है जैसा इंदिरा सरकार ने 1975 में किया था? इंदिरा गांधी ने तो आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को सचमुच पंगु कर दिया था।
उस दौरान सारे विपक्षी नेता मनगढ़ंत आरोपों में जेलों में ठूंस दिए गए थे और मीडिया का भी निर्ममता पूर्वक दमन किया गया था। इतना ही नहीं, संविधान में मनमाने संशोधन कर उसकी प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और समाजवाद जैसे शब्द जोड़ दिए गए थे। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि लोकतंत्र को खत्म करने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने वाली कांग्रेस आज भय का यह भूत खड़ा करने के लिए अति मेहनत करने में लगी हुई है कि यदि नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीत गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और संविधान बच नहीं पाएगा। बार बार लोकतंत्र और संविधान के खतरे में पड़ने का शोर मचाना तो यही बताता है कि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के पास ऐसे मुद्दों का अभाव है जिनके सहारे वह मजबूती से चुनाव मैदान में उतर सके। आखिर यह कौन सा तर्क हुआ कि यदि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? क्या आजादी के बाद जब कांग्रेस एक के बाद एक लगातार चुनाव जीतती रही तब लोकतंत्र खत्म हो रहा था और संविधान नष्ट हो रहा था? निसंदेह लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन यदि वह पिछले दो बार से लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो क्या इसके लिए सत्ता पक्ष दोषी है? फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रतिमिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।